लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में स्टार्ट किया गया, इट इज नॉट लाइक आईपीसी सीआरपीसी। मतलब कई बार हम लोग सीआईडी में देखते थे ना कि एसीपी प्रद्युमन को एज सच मर्डर होते हुए नहीं दिखा है, एसीपी प्रद्युमन को एज सच चोरी होते हुए नहीं दिखी है, एक्स ने क्या कमिट किया, एक्स ने मर्डर कर दिया। आफ्ताब पूना वाला ही तो था वो, इसने वो करा था बेटा आपका पर्स एंड कीपिंग इन द फ्रिज, उसने क्या किया था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कट करके फ्रिज में रखा। कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मूवमेंट होना जरूरी है, एक जगह से दूसरे जगह जाना जरूरी है उस डेंजरस चीज। कृत, तृप्ति, सिमरन, शेख, रोनित, रिचा, सभी लोगों का स्वागत करती हूँ क्लैट कक्षा के इस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। वेलकम टू द न्यू बैच, एंड यू माइट हैव सीन मी बिफोर, या पहली बार आप मुझसे मिल रहे हो, तो आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहले एक तो आवाज के बारे में बता दीजिए, मेरी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियरली आ रही है आपको। आज के सेशन में हम एक सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ टॉट्स। अब ये लॉ ऑफ टॉट्स क्या है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट हम लोग कोई इंटरेक्शन करेंगे। मतलब इंटरेक्शन करना तो बहुत जरूरी है, मैं तो जानती नहीं हूँ अभी आप लोगों को, सो बिना जाने बूझे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेयर आर यू गाइस फ्रॉम, कैसे हमारे साथ जुड़े, और कब आप पेपर देने वाले हैं, दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर आप देने वाले हो। सो आई कैन सी झारखंड, राजस्थान, गोवा, ग्रेट, कुशीनगर, ऑल राइट, ओके। सो अदिति इज फ्रॉम दिल्ली, एमपी, राजस्थान, गाजियाबाद, वेरी गुड। सो बच्चा लोग, अभी आप लोग क्लैट एग्जाम देने वाले हो दिसंबर में, या आपका क्या मतलब प्लान है, और अभी तैयारी कैसे चल रही है ये बताइए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्च से। ये आप लोग ये जो डेमो लिखा हुआ है ना, इसको आप अभी इग्नोर ही मारो। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी आर जस्ट कंसर्न विद द टॉपिक, हमें इससे प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बता दे रही हूँ। लॉ ऑफ टॉट क्या होता है बेटा, ये हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ टॉट क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा सा बेटा इसके वेटेज की बात करेंगे। वेटेज जान रहे हो, वेटेज का मतलब ये होता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के साथ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इतनी वैल्यू है भी एग्जाम में या नहीं है। पहले तो ये जान लो कि क्लैट एलिट एग्जाम जान दो, जो एनएलयू दिल्ली के लिए होता है। एनएलयू दिल्ली क्लैट के थ्रू अपने बच्चों को नहीं एक्सेप्ट करता है, वो एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको कहते हैं बेटा एलिट। तो क्लैट एग्जाम में भी, एलिट एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है ना, जब तुम एनएलयू में चले जाओगे वहां पे भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये समझ लो। क्लैट से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मान के चलो बेटा, जो भी एग्जामिनर होता है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहा होता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक स्टैटिक क्वेश्चन उठा रहा है या कोई करंट का क्वेश्चन उठा रहा है। लीगल में भी करंट का क्वेश्चन बनता है कि हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हुआ है, जो लीगल अपडेट्स में यूट्यूब पे लेती हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, हाल ही में मैंने 6 months वाला लिया है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो बात करें अगर इसकी क्लैट एग्जाम की, क्लैट 2025 की, तो यू कैन एक्सपेक्ट, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि लॉ ऑफ टॉट्स से एक पैसेज आपके पास आ जाए। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, एक्चुअली पैसेज के अंदर दो चीजें होती है, या तो आप रीड करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, या तो रीड करके आपको एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि बिना उसके आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। ये आपने चीज नोटिस करी होगी कि जब भी हम पैसेज सॉल्व करते हैं, एक तो हम पैसेज पढ़ के निकाल ले रहे हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम माइनर लॉ में ये दिक्कत आती है, जहाँ पे माइनर लॉ के पैसेजेस हम पढ़ के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर दिक्कत ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो लॉ ऑफ टॉट्स भी उनमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप, हो सकता है उसको रैंडमली अगर उस पैसेज को देखो तो बेटा आप देख के उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पैटर्न आप लोग जान रहे हैं। चलो बेटा शुरू करेंगे अपने सब्जेक्ट को, दैट इज लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले से समझ लीजिए। ये जो लॉ ऑफ टॉट्स था ना, ये जिस तरीके से आप जानते हो 1600 में, जिस तरीके से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है 1600 में, उसी तरीके से
जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहने लगे, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई यहाँ के लोग तो बड़े इनोसेंट है, क्यों ना इनको रूल कर ले, तो जब ब्रिटिश राज चल रहा था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तब कहीं डेवलप हुआ था लॉ ऑफ टॉर्च। तो लॉ ऑफ टॉर्च इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में स्टार्ट किया गया। इट इज नॉट लाइक आईपीसी सीआरपीसी या आईपीसी की तरह ये चीज नहीं है लॉ ऑफ टॉर्च जो आप पढ़ रहे हो। ये एक तो याद रखना कि ये किसी भी कोड में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, जैसे आईपीसी की आपको एक किताब मिलती है, एक बेयर एक्ट मिलती है, कानून जो होता है आईपीसी, धारा ये लिखी धारा वो लिखी, लॉ ऑफ टॉर्च ऐसा कुछ नहीं है। ये बस जजमेंट्स के थ्रू डेवलप हुआ हुआ लॉ है, इसका कोई भी कोड नहीं है, इसका कोई भी किताब नहीं है। किताब आपको मिल जाएगी, मतलब राइटर्स ने लिखी हुई किताब आपको मिल जाएगी, बट इसका कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। कोडिफिकेशन जानते हो, कोडिफिकेशन क्या होता है जानते हो, व्हाट इज कोडिफिकेशन? कोई भी चीज जो ऑफिशियली लिखी नहीं है उसको हम कहेंगे इट इज एन अनकोडिफाइड, इट इज अ अनकोडिफाइड लॉ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम लोग अगर फैमिली लॉ की बात करते हैं बेटा, तो फैमिली लॉ में हम लोग दो लॉज पढ़ते हैं, जानते हो, हम लोग दो लॉज पढ़ते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लो, लॉ ऑफ टॉर्च समझने में आसानी होगी। दो लॉज पढ़ते हैं, एक होता है बेटा तुम्हारा हिंदू लॉ, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम लॉ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिससे मुस्लिम्स गवर्न होते हैं बेटा, वो अनकोडिफाइड लॉ है, वो अनकोडिफाइड लॉ है। वहीं पे अगर हम लोग हिंदू लॉ की बात करें, वो एक कोडिफाइड लॉ है। कोडिफाइड लॉ से मतलब ये है कि वो लिखित रूप में, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप जाओगे और आप परचेज कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो डॉक के फॉर्म में। लेकिन मुस्लिम लॉ कैसे, हम प्रीसीडेंट से गवर्न हो रहे हैं, हम प्रेसिडेंट से गवर्न हो रहे हैं। बहुत सारे मामलों में मुस्लिम लॉ कुरान से गवर्न होता है, तो उसका मतलब जो कानून है वो यहाँ पे कुरान में दिया गया है मुस्लिम लॉ के। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिफिकेशन एंड अनकोडिफिकेशन। सवाल ये उठता है कि लॉ ऑफ टॉर्च फिर भारत में कैसे आया। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, ब्रिटिश राज का यहाँ पे शासन हो जाता है, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल हो जाता है बेटा, इस तरीके से आपका लॉ ऑफ टॉर्च यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे किसी को डाउट है, इसी तरीके से आया ये याद रखिएगा, इसका एज सच कोई लॉ नहीं है। तो लॉ ऑफ टॉर्च में हम किस चीज से गवर्न होते हैं कुलदीप? बेटा हम यहाँ पे गवर्न होते हैं थ्रू केसेस, केसेस जैसे कि ए वर्सेस बी। अब ए को कोई दिक्कत हुई, मान के चलिए ए गया कोर्ट, जब ए कोर्ट गया तो कोर्ट ने देखा कि यार मामला तो बड़ा छोटा सा था, मर्डर नहीं हुआ है, थेफ्ट नहीं हुआ है, डकैती नहीं हुई है, चोरी वोरी कुछ भी नहीं हुई है, मामला बड़ा छोटा सा है कि बी ने केले का छिलका फेंका था, ए फिसल के गिर गया। तो ऐसे मामले जब कोर्ट जाते थे, तो कोर्ट उनको जब डील करता था, जब मान के चलो ए को कुछ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता था, डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते थे, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग लॉ ऑफ टॉर्च में पढ़ते हैं, वही प्रीसीडेंट्स बन गए हमारे लिए। उन्हीं चीजों को हम पढ़ रहे हैं एज लॉ ऑफ टॉर्च, क्योंकि वो हमारे लिए प्रीसीडेंट्स हैं, जो जजेस ने उस टाइम पे जजेस ने डिसाइड कर दिया वही चीज हम लोग आज को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस नहीं होती है, कोर्ट यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंसेस को फॉलो नहीं करता है। कोर्ट हमेशा यहाँ पे डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जिस तरीके का मामला होगा उस तरीके के डिसीजन पे कोर्ट, उस तरीके के निर्णय पे कोर्ट पहुंचता था। तो याद रखना कि भाई जजेस कैसे डिसाइड करते थे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर हर केस को डिसाइड किया जाता था जजेस के द्वारा, लॉ ऑफ टॉर्च के केसेस को, और जो हमारे लिए प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बेटा बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्च, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो वर्ड है ना टॉर्च, थोड़ा सा मैं पेन जो है उसको छोटू सा करूंगी। सो द वर्ड टॉर्च हैज बीन डिराइव्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड from the word बेटा tortum, tortum word से derived है tort। tortum का मतलब होता है something which is twisted। so what is tort? tort is a wrongful act, tort is a wrongful act
जिसको आप कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो विच इज नॉट क्राइम। मतलब कई बार हम लोग सीआईडी में देखते थे ना कि एसीपी प्रद्युमन को एज सच मर्डर होते हुए नहीं दिखा है, एसीपी प्रद्युमन को एज सच चोरी होते हुए नहीं दिखी है, बट वो कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। तो टॉट बस इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इतना समझ लो। ये लैटिन वर्ड है टॉटम, लैटिन वर्ड टॉटम से डिराइव्ड है वर्ड टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड, यानी कि कोई चीज सीधी नहीं है, ट्विस्टेड है, इसका मतलब गलत है। बेटा टॉट जो होता है ना वो रॉन्गफुल एक्ट होता है एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट करता है। तो इसमें क्या होता है बेटा? ए वर्सेस बी होता है, जिसमें मान के चलो ए के किसी एक्ट से बी को कुछ कुछ नुकसान हुआ है, कुछ डैमेज कॉज हुआ है, कुछ हर्ट हुआ है, कोई लॉस हुआ है, उसको इंजरी हुई है बेटा। ए के एक्ट से बी को डैमेज हुआ, हर्ट हुआ, लॉस हुआ, इंजरी हुई। बट ये चीज याद रखना, इसमें दो पार्टीज होती है, या ये लिख लो कि दो इंडिविजुअल्स होते हैं, देयर आर टू इंडिविजुअल्स। लेकिन जब हम लोग बेटा क्राइम की बात करते हैं, तो क्या दो इंडिविजुअल्स होते हैं, या वो ऐसा एक एक्ट होता है जिससे सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट होता है? जिससे, यस सना परवीन, वेरी गुड, जिससे सोसाइटी एट लार्ज को नुकसान होता है। आप समझ लो, वन इंडिविजुअल इज कमिटिंग अ रॉन्गफुल एक्ट अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल टॉट के अंदर, और इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, इसमें पब्लिक एट लार्ज को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर केले के छिलका पड़ा हुआ है और कोई फिसल के गिर गया, उसको चोट लग गई, तो उससे पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि मान के चलिए ये है बंदा एक्स, एक्स ने क्या कमिट किया, एक्स ने मर्डर कर दिया, एक्स ने डेलाइट, ब्रॉड डेलाइट मर्डर कर दिया अपनी वाइफ का। जैसे हम लोग ने आफ्ताब पूनावाला के केस में नहीं देखा था, आफ्ताब पूनावाला ही तो था वो जिसने वो करा था बेटा आपका कटिंग द बॉडी पार्ट्स एंड कीपिंग इन द फ्रिज। उसने क्या किया था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कट करके फ्रिज में रखा। अफेक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है शोभित, उसका अफेक्ट क्या हो रहा है, ये हम लोग पढ़ते हैं क्राइम में, जिसको हम लोग कहते हैं ये पब्लिक रॉन्ग है। इसका अफेक्ट ये था कि पूरी सोसाइटी दहल गई थी, हम लोग का घर से निकलना बंद हो गया था लड़कियों का, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स डर गए थे। प्राइवेट रॉन्ग को हम कह सकते हैं बेटा इट इज अ सिविल रॉन्ग, सिविल केसेस के अंदर पढ़ते हैं, या जिसमें डैमेजेस दिए जाते हैं या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सिविल लॉ के द्वारा गवर्न होता है। बट हम लोग जब बात करते हैं क्राइम की बेटा, पब्लिक रॉन्ग जो है, तो इसको हम लोग क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं। मैं जुडिशरी में भी क्लासेस लेती हूँ, मतलब मेरा एक्चुअल में जो फोर्टे है वो जुडिशरी ही है, तो मैं सीपीसी पढ़ाती हूँ बेटा। सीपीसी क्या है? एक सिविल लॉ है, उसमें हम पार्टीशन के मामले देखते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ज्यादातर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होते हैं। आपका एक एंसेस्ट्रल होम है, एक एंसेस्ट्रल हाउस है जिसमें पार्टीशन का कोई मामला है, या कोई बिल्डिंग से रिलेटेड इशू है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इशू है, तो उसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, दो कंपनीज इन्वॉल्व होती है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम प्राइवेट रॉन्ग कहते हैं, या उसको हम सिविल लॉ के अंदर ट्रीट करते हैं, सिविल लॉ के अंदर हम उसको जस्टिस देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो टॉट का, टॉट इज अ सिविल लॉ, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, जिसको हम लोग सिविल लॉ के अंदर गवर्न करते हैं, जिसमें यूजुअली हम डैमेजेस प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट आर डैमेजेस, इसको अभी हम लोग देखें। मैम मर्डर विच डज नॉट अफेक्ट द पब्लिक इज अ क्राइम, मानस हाउ, इज देयर एनी मर्डर विच विल नॉट अफेक्ट द पब्लिक? मान के चलो एक लोकैलिटी में मर्डर हुआ है, तो क्या आजू बाजू वालों को फर्क नहीं पड़ेगा उससे? अब हम लोग यहाँ पे बेटा बात करेंगे पार्टीज इन टॉट, कौन कौन पार्टीज होती है बेटा हर केस के अंदर, हर जनरल केस के अंदर क्या होता है बेटा, एक होती है बेटा इंजर्ड पार्टी, दूसरी होती है बेटा द रॉन्ग डूअर। अब ये रॉन्ग डूअर कौन है? ये रॉन्ग डूअर वो है जिसने कमिट किया है रॉन्गफुल एक्ट, राइट, है कि नहीं है?
इंजर्ड पार्टी कौन है? इंजर्ड पार्टी वो है जिसके अगेंस्ट अगेंस्ट होम द रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन कमिटेड, राइट। दूसरी चीज, वो पर्सन जिसको कुछ नुकसान होता है, जिसको कोई हर्ट डैमेज कॉज होता है, जब वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट की भाषा में, कोर्ट की लैंग्वेज में उसको कहा जाता है प्लेंटिफ। और वो पर्सन जिसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया जाता है, कंप्लेंट फाइल करी जाती है, एफआईआर करी जाती है क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में तो जब प्लेंट फाइल होता है तो उसको कहते हैं डिफेंडेंट। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं बेटा टॉट फीजर, जिसने कमिट किया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्राइम, तो हम समझ ही गए कि मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रात में पढ़ाई करते हैं, जब हमारा कल एग्जाम है तो हम रात में पढ़ रहे हैं, बट ऐसा होता है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो या आपके आस पड़ोस में कोई लोग है और उनके वहां पार्टी है तो आपको लाउड नॉइजेस आती है, आपको साउंड आता है जो डिस्टर्ब करे आपको, तो ऐसे अगर केसेस होते हैं वो टॉट के अंदर जाते हैं बेटा, वो टॉट के अंदर जाते हैं क्योंकि उसकी वॉइस से आप अफेक्ट हो रहे हो। जरूरी नहीं सबका एग्जाम हो वहां पे, बट अगर कोई जैसे निर्भया रेप केस था, क्राइम में पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होता है, और उसी तरीके से मान के चलो किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसने वहां पे बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि कोई भी ट्रेसपासर्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे, तो आप उसकी प्रॉपर्टी में नहीं घुस पाओगे। बट ऑब्वियसली बात है कि आप उसकी प्रॉपर्टी में नहीं जा पाओगे, चाहे जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी हो, चाहे जितना भी अच्छा वहां का एनवायरमेंट हो कि आप जाना चाहो, आप उसकी प्रॉपर्टी में नहीं जा पाओगे क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स की बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग पहले लीगल टर्म्स को समझ लें। सूट क्या होता है? केस दैट इज फाइल्ड, दैट इज प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन, रेमेडी का मतलब होता है जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। व्हाट इज लीगल इंजरी? Legal injury is a violation of a legal right. It is a law, wrong. It is a wrong, and it is a loss as well. But what is legal injury? It is a violation of a legal right. Tort में ज़्यादातर हर case में आपको देखने को मिलेगा कि ये financially party को satisfy किया जाता है. Financially हम injured party को satisfy करते हैं. Financially we are satisfying the injured party. और ये हमेशा क्या किस रूप में होते हैं? अनलिक्विडेटेड होते हैं, क्योंकि इनको प्री डिटरमाइन नहीं किया जाता। हम नहीं बता सकते हैं कि ए वर्सेस बी के केस में क्या प्रॉब्लम क्या है, वो तो हम जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा ना। तो फाइनेंशियली हम सेटिस्फाई करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, इसमें मॉनेटरी टर्म्स में, समझ रहे हो। अब टाइप्स ऑफ टॉर्ट पे आएंगे बेटा। हम टॉर्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टॉर्ट हमेशा तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है बेटा आपका इंटेंशनल टॉर्ट्स। क्या आता है? इंटेंशनल टॉर्ट्स। इंटेंशनल टॉर्ट्स में इंटेंशन प्रेजेंट होता है। जनरली टॉर्ट के केसेस में इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर आते हैं बेटा आपके नेग्लिजेंट टॉर्ट्स। फिर उसके बाद बेटा आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। क्या? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इंटेंशनल टॉर्ट्स में आप देखोगे मैटर्स लाइक जो डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, और आपके बैटरी हो गया, असॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्राइम में भी कवर हो रही होती है, क्योंकि क्राइम में आप जानते हो मेंस रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चा लोग। नेग्लिजेंट टॉर्ट्स की अब अगर नेग्लिजेंट टॉर्ट्स की आप बात करो तो यहाँ पे एक शब्द है नेग्लिजेंट। इसका मतलब होता है बेटा व्हेन एनी पर्सन हैज ब्रीच्ड ड्यूटी टू टेक केयर। ड्यूटी टू टेक केयर, नेग्लिजेंट को हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? लैक ऑफ केयर, केयरलेसनेस, केयरलेस एटीट्यूड, इग्नोरेंस, लापरवाही। अगर हम रोड पे निकल रहे हैं तो हम कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो, लोगों में लोग हंसी बनाए या लोगों को कुछ प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट कॉज हो। अगर आप इन सब चीजों को ब्रीच कर रहे हो ना तो आप नेग्लिजेंट हो गए। अब बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स की। मान के चलो आप अपने घर में क्या कर रहे हो, आप अपने घर में शेर रख ले रहे हो, चीता रख रहे हो। अब आप कहते हो कि अरे मेरे से बहुत लगा हुआ है वो, मतलब मेरी सारी बातें मानता है। आप कहते हो सिट डाउन तो वो बैठ जाता है। एनिमल्स का कब माइंडसेट या मूड चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। मान के चलो दरवाजे तोड़ के घर से बाहर निकल गया शेर चीता और वो सोसाइटी में जा रहा है, बढ़िया सोसाइटी में जा रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है, बच्चे को उसने नुकसान पहुंचा दिया और उस पर अटैक कर दिया, तब क्या? तो ऐसे में अगर कोई पर्सन ऐसा कोई भी डेंजरस
एक्ट कर रहा है, अपने घर में किसी ऐसी चीज को रख रहा है, अपने एरिया में किसी ऐसी चीज को रख रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी स्ट्रिक्टली, भले ही उसका इंटेंशन ना हो अदर पर्सन को नुकसान पहुंचाने का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज अभी आप इतना समझ लो कि किसी बहुत ही बड़े डेंजरस एक्टिविटी की वजह से आपकी लायबिलिटी अराइज होती है, स्ट्रिक्टली अराइज होती है, आपका इंटेंशन हो या ना। नहीं, नेग्लिजेंस के मामलों में कोई पनिशमेंट नहीं होती है। अब अगर आपने जैसे पुणे पोर्शे केस में, पुणे पोर्शे केस इज नॉट अ नेग्लिजेंट केस जो हम टॉर्ट में कवर करेंगे। टॉर्ट में एक और चीज है बेटा, बहुत सारे केसेस आप ऐसे देखोगे जिसमें लेवल अप हो जाता है। जैसे अगर मान के चलिए लेवल खाली इतना है तो मामला टॉर्ट में जाएगा, अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ग्रेव हो गया, हीनियस हो गया, गंभीर हो गया, तो मामला क्राइम में जाएगा। मान के चलो भाई तुम्हारे पड़ोस में ये बच्चा रहता है, बड़ा शैतान बच्चा है, कई बार तुमने उसको किनारे ले जाके चुटकियां काटी है, बट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है भाई, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या करता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे घर का एरिया बाउंड्री है, भाई दिन भर जाता है दुकानों में आइसक्रीम खरीदता है, ऑरेंज बार खाता है, कुरकुरे खाता है, चॉकलेट खाता है, और यहाँ पे कूड़ा फैलाता है। और क्योंकि छोटा है तो उसकी मम्मी मम्मी भी यहाँ पे उसके पैंपर वैम्पर फेंकती रहती है, पैंपर पहनता है, वो बड़ा शैतान बच्चा है। पेरेंट्स भी उसके सुधर नहीं रहे, बार बार आपने कहा कि काइंडली ये कूड़ा आप साफ करवा दीजिए, लेकिन कूड़ा साफ नहीं होता है, आपके घर के पास बार बार कूड़ा डलता रहता है। क्या लगता है, मतलब ये जनरली हम इसको क्या कहते हैं, ये मामला होता है बेटा न्यूसेंस का, आपने न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है, ये न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है आपने। मान के चलिए बेटा कि आप गाड़ी लेके निकले सड़क पे और गाड़ी खराब थी, गाड़ी के ब्रेक फेल थे और एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नुकसान आपको भी होता है, अदर पार्टी को भी होता है, बट अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल थे तो आप गाड़ी लेके क्यों निकले, ये मामला किसका होगा? यस, ये मामला होता है बेटा नेग्लिजेंस का, यानी कि आपकी ड्यूटी सिर्फ अपने प्रति नहीं है और लोगों की भी प्रति है, तो इसको नेग्लिजेंस के अंदर हम लोग कवर करते हैं। हम लोग तीन एसेंशियल्स देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, जिसमें आपको टॉर्ट जब भी कोई भी एक्ट होता है ना, रॉन्गफुल एक्ट, आपको इन तीन एसेंशियल्स को अप्लाई करना हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम भी अप्लाई करना होगा। तो टॉर्ट में सबसे पहले क्या होता है, सना इज वेरी वेरी फास्ट, एक रॉन्गफुल एक्ट, वेरी गुड रौनित, एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो उस रॉन्गफुल एक्ट से, उस रॉन्गफुल एक्ट से क्या हुआ है, उस रॉन्गफुल एक्ट से बेटा आपने किसी पर्सन को डैमेज कॉज किया है, किसी पर्सन को डैमेज कॉज किया है, और उस डैमेज के वजह से आप जब कोर्ट जाओगे तो आपके लिए एक लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है। ये कुछ एसेंशियल्स हैं टॉर्ट के। सबसे पहले एक रॉन्गफुल एक्ट, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, यही सब एक्ट्स हैं टॉर्ट के अंदर जो हम पढ़ते हैं, उससे कुछ नुकसान कॉज किया है और एक लीगल रेमेडी अवेलेबल है। कैसे, किसके रूप में अवेलेबल है, डैमेजेस के रूप में। आगे चलते हैं, ये तीन एसेंशियल्स हैं, अप्लाई करना हर केस के अंदर। आगे चलो, अब जो मैं आपको बता रही थी, मान के चलो बेटा, बताना थोड़ा सा, और जो सबसे पहले बताएगा ना उसको शाउट आउट दूंगी मैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो पार्क है, ठीक है, जिसमें पब्लिक आती है, जनरल पब्लिक भी आती है, लोग अपार्टमेंट के लोग हैं कुछ लोग, वो लोग भी आते हैं। तो इस पार्क में बेटा हुआ क्या, एक जहरीला पेड़ लगा हुआ है, जस्ट लाइक दी गंजी चुड़ैल स्टोरीज, जहरीला पेड़ था, उसमें फल था। सो एक जहरीला पेड़ था, तो होता क्या है बेटा, बच्चे खेल रहे हैं, उस जहरीले पेड़ में बहुत बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे, तो एक बच्चा जाके वो फल खा लेता है। बेटा वहां पे कोई बोर्ड नहीं लगा था, कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पॉइजनस ट्री थी जिसको बच्चा जाके खा लेता है। क्या यहाँ पे लायबिलिटी अराइज होगी बेटा? बच्चे कह रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे, तभी तो मैं अभी बता नहीं रही थी आपको, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मूवमेंट होना जरूरी है, एक जगह से दूसरे जगह जाना जरूरी है उस डेंजरस चीज का। यहाँ पे मूवमेंट नहीं है डेंजरस चीज का, तो कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया, ये मामला नेग्लिजेंस का था। कोर्ट ने कहा ये मामला किसका है, नेग्लिजेंस का मामला है। मैक्सिम्स देखिए बेटा, मैक्सिम्स जानते हो क्या होती है आप लोग, मैक्सिम्स फ्रेजेस होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जिसमें एक लॉ होता है, एक लॉ होता है, एक पूरा लॉ का एक एसेंस उस मैक्सिम के अंदर छुपा होता है।
छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे नहीं होता है। जैसे हमारे वहाँ हिंदी में हम लोग पढ़ते नहीं मुहावरे, तो मैं कहूंगी क्या कहते हैं उसको बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। यस, इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया। अब एक लाइन बना लो, यहाँ पे तीनों शब्दों का मतलब लिख लो। इंजूरिया का मतलब है इंजरी, सिने का मतलब होता है बेटा विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। एक शब्द होता है बेटा डैमेज और दूसरा शब्द होता है बेटा डैमेजेस। एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन? मैम, डैमेज इज अ रॉन्गफुल एक्ट डन टू द प्लेंटिफ, व्हाइल डैमेजेस आर द कॉम्पेंसेशंस वी ऑफर फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन। या एब्सोल्युटली करेक्ट, द कॉम्पेंसेशन व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कोर्ट एंड द डैमेज इज द रॉन्गफुल एक्ट डन अगेंस्ट द प्लेंटिफ और द इंजर्ड पार्टी, राइट? सो समझ में आ गया ना, डैमेज नुकसान हुआ, हर्ट हुआ, लॉस हुआ, इंजरी कॉज हुई, लीगल राइट का वायलेशन हुआ। Damages, the sum of money which has been provided by the court. Maxim कहती है injuria sine damnum, मतलब कि injury हुई है but कोई damage नहीं हुआ as such, plaintiff को, injured party को कोई as such नुकसान नहीं हुआ है कि उसको physically कुछ नुकसान हुआ हो, mentally कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है? Damnum sine injuria, यानी कि डैमेज हुआ है बट कोई इंजरी नहीं है। इंजरी से, इस शब्द से हम यहाँ पे क्या इन्फर कर रहे हैं, तभी ये मैक्सिम अच्छे से क्लियर हो। हैंड रेज करना है, इंजरी का मतलब क्या है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया। लाइक मैम, आपका मोरल वैल्यू वायलेट हुआ है, मेरा ये जो हमने जो डिस्कस किया था अभी पहले, हमने डिस्कस किया था देयर वाज अ लीगल इंजरी। लीगल इंजरी का मतलब क्या है, लीगल इंजरी का मतलब क्या है कि कोई लॉस हुआ है, कोई रॉन्ग हुआ है और कोई राइट का वॉयलेशन हुआ है। नाउ लीगल, आप समझ गए ना बेटा, इंजरी लीगल राइट का वॉयलेशन। नाउ देयर आर टू मैक्सिम्स, मैं आपको एक क्विज दे रही हूं, इन दो मैक्सिम में से सिर्फ एक मैक्सिम में ही जो आपका रॉन्ग डूअर होता है, टॉर्ट फीजर होता है, उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। इन दो में से सिर्फ एक ही में लाइबिलिटी अराइज होगी। अगर एक होगा तभी लाइबिलिटी अराइज होगी, दूसरे में अगर होगा तो वो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी उसकी। तो इन दोनों में से कौन सा वो मैक्सिम है जिसमें उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी? इंजूरिया सिने डैमनम, डैमनम सिने इंजूरिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे लीगल इंजरी होती है वहीं पे टॉर्ट के केसेस में एप्लीकेशन होता है। सो वी आर और द कोर्ट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द इंजरी। लीगल इंजरी है, लीगल राइट का वायलेशन है, तभी कोर्ट कंसिडर करता है चीजों को। तुम्हें डैमेज हुआ है बट कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है तब बताओ, कोर्ट कहता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा, यस, इंजूरिया सिने डैमनम, यानी कि इंजरी हुई है बट कोई डैमेज नहीं था, तब यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपका ग्रीन से मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे बेटा आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है। डैमेज हुआ है पर कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी, यहाँ पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं, देयर इज नो लायबिलिटी। क्लियर एवरीबॉडी? गिव मी अ थम्स अप, देन आई विल गो टू द एग्जांपल्स ऑफ दीज मैक्सिम्स। इन मैक्सिम्स की एग्जांपल्स पे हम लोग जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर सभी को? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए वोट डालने का आपका लीगल राइट है, ठीक है? वोट डालने के लिए आप मान के चले गए, ये एक एक्चुअल केस है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ एक्चुअल केस। केस का नाम है एशबी वर्सेस वाइट, लैंडमार्क केस। तुम्हारा वोट डालने का लीगल राइट है, तुम जब वोट डालने के लिए गए, गेट पे ये सरदार बैठा था, ठीक है? इसने, ये ऑफिसर बैठा था, इसने तुम्हें रोक दिया, इसने कहा स्टॉप, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो इनसाइड, वोट डालने के लिए आपको मना कर दिया। हालांकि आपको जिसको वोट डालना था वही जीता इलेक्शन में, बट आपके वोट डालने को रोका और इस पर्सन ने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया। जब मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने चेक किया, कोर्ट सबसे पहले यही चीज चेक करता है, क्या एक लीगल राइट का वॉयलेशन है, क्या एक लीगल राइट का वॉयलेशन है? तो कोर्ट ने चेक किया कि भाई हाँ लीगल राइट, तुम लोग बताओ लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इंजरी हुई, डैमेज नहीं हुआ, इंजरी हुई, डैमेज नहीं हुआ, इंजरी हुई, डैमेज नहीं हुआ, लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी,
यस प्रतीक, वेरी गुड। वही भी मान के चलिए, एक और एग्जाम्पल देखिए कि वोट डालने के लिए वो बंदा जाता है, उसको पुलिस ऑफिसर रोकता नहीं है, उसको पुलिस ऑफिसर रोकता होता कुछ नहीं है, बट मान के चलिए कि पुलिस ऑफिसर से कुछ बहसा बहसी हो जाती है जिसमें उसको थोड़ी सी खरोच आ जाती है, उसमें थोड़ी सी खरोच उसको आ जाती है। पुलिस ऑफिसर के अपने तर्क होते हैं, पुलिस ऑफिसर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तो मामला कोर्ट जा पाएगा क्या? कोर्ट कुछ डैमेजेस दे पाएगा क्या? कोर्ट यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लायबल ठहराएगा क्या? आप बताओ, आप बदतमीजी कर रहे हो, वहां रील्स बना रहे हो, आप कह रहे हो हम यहाँ रील्स बनाएंगे, तो पुलिस ऑफिसर तो मना करेगा ही आपको। अब यहाँ पे डैमेज हुआ है, बट आपकी रील्स बनाना लीगल राइट नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज नहीं कर रहे हैं, बट आगे आने वाले सेशंस में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ये रीड कर लिया आप लोगों ने? रीड करना तो एक बार थम्स अप करना। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना पूरे सेशन में, वही कुछ दिया गया है पैसेज। पोल सभी को आ रहे होंगे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? इन इंडिया विच लीगल प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉम्पनसेशन इन द टॉर्ट केसेस? एब्सोल्यूट पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या हम टॉर्ट में पढ़ते हैं, टॉर्ट में कवर्ड ही नहीं होगा। अरविंद, शोभित और धान्या ने सबसे तेज जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, नेग्लिजेंस क्या होता है? अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था, कॉजिंग हार्म टू समवन, इंटेंशनली कॉजिंग हार्म टू समवन, ब्रीचिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट। नेग्लिजेंस में क्या होता है? ड्यूटी टू टेक केयर, केयर वर्ड आपका की वर्ड था यहाँ पे। यू हैव टू एसर्टेन द की वर्ड्स, बी करेक्ट आंसर होगा। द लॉ ऑफ टॉर्ट प्राइमरीली डील्स विद व्हाट? क्रिमिनल ऑफेंसेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, सिविल रॉन्ग्स एंड द लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू विक्टिम्स, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। एब्सोल्युटली करेक्ट है, 80% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। इट इज द सिविल रॉन्ग्स एंड लीगल रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू द विक्टिम। सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। अर्शप्रीत, शोभित और रोनित ने सबसे तेज जवाब दिया है। कुलदीप भी है, विदुषी, कृत, अदिति, ऋषभ, धान्या, दिव्यांशी। क्या कोई लीगल राइट का वॉलेशन होते दिख रहा है? इसमें कौन सी मैक्सिम का एप्लीकेशन होगा? 94% कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। 11% बच्चे कह रहे हैं कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे आपने बोला? He will be awarded damages as his right to life and personal liberty. आर्टिकल 21 के बारे में आपने सुना होगा, आपको बेटा रेनू मैम करवाएंगे आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका वोट करने का अधिकार, ये सब आपकी जिंदगी गुजारने के अंदर आता है बेटा। तो ये करेक्ट आंसर, अगर कॉमन सेंस भी आप यूज करते तो आप दे पाते, बी करेक्ट आंसर होगा। ए कह रहे हैं, ए 5% बच्चे कह रहे हैं करना है, बट हमने क्या पढ़ा आइए इसको एक बार देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। हम लोग आज टॉट के बारे में पढ़ा, यस वेरी गुड, टॉर्ट के बारे में पढ़ा, जिसका मतलब होता है एक रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिविजन है। एक होते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स, एक होते हैं नेग्लिजेंट टॉर्ट्स, और तीसरे होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। बस इसी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास क्या होता है और हमारा, ठीक है? सो आई थिंक कैन आई एंड टुडे सेशन? एवरीथिंग वाज गुड, कूल, सब कुछ बढ़िया? तो एक बार थम्स अप दे दो, आज का सेशन एंड करते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन बच्चा लोग, and see you in the next one. Tab tak ke liye take care and goodbye, much love from my side. Thank you so much for joining in. Bye bye.